GDCR. Now, what is GDCR? And GDCR आज जो सेशन है हमारा वो GDCR के ऊपर है. और फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज GDCR, GDCR का मतलब क्या है. तो GDCR जो है वो जनरल डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन ड्राफ्ट है जो पूरे ऑल ओवर गुजरात में कॉमन रहेगा. आप गुजरात में कहीं पर भी जाओ, इट विल बी अ कॉमन वन. चेंज क्या होगा? चेंज जो होगा वो उसका एरिया जो डिफाइन किया है कि फॉर एग्जांपल गांव तल किसको बोलेंगे, आउटस्कर्ट्स एरिया किसको बोलेंगे, तो वो जो है वो लोकल अथॉरिटी डिस्प्ले करेगी. जहां पर जो कॉरपोरेशन है वो कॉरपोरेशन डिस्प्ले करेगा. लेकिन इस बैंड के अंदर जो अगर आप आते हो तो आपका FSI कितना रहेगा, मार्जिन कितना रहेगा, आप कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, सब कुछ वेल डिफाइंड रहता है इसके अंदर. ओके, सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू. ठीक है, पहले ये जानते हैं ये क्या है, कैसे कौन सा है. दिस वाज अ सेकंड रिवीजन, एंड सेकंड रिवीजन जो है वो 2031 तक इंप्लीमेंट करने के लिए बनाया है. ओके, तो हम थोड़ा नीचे जाते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कंटेंट क्या क्या रहेगा. सो GDCR डेवलपमेंट सेकंड रिवाइज पार्ट 3, इट हैज सम. ओके, ये इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है. देन शॉर्टर टाइटल्स एंड परमीएबल. एंड शॉर्टर टाइटल और एक्सटेंड क्या है, मतलब क्या चीज है, मतलब टाइटल वगैरह है और कुछ नहीं है इसके अंदर. फिर डेफिनेशन है, हर एक चीज की डेफिनेशन, क्या चीज कैसे डेफिनेशन है, कौन सी है, और वो सब कुछ डिफाइन किया है. नाउ एप्लीकेशन फॉर परमिशन, एप्लीकेशन कैसे करेंगे, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, जनरल नोटेशन इन प्लान, प्लान में नोटेशन कौन सा होना चाहिए, डॉक्यूमेंट टू बी फर्निश्ड विथ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ डॉक्यूमेंट कौन सा चाहिए, प्लान एंड स्पेसिफिकेशन टू बी प्रिपेयर्ड बाय द रेसिडेंशियल और आर्किटेक्ट इंजीनियर, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, कैंसलेशन ऑफ परमिशन, मार्जिन वगैरह कैसे होगा, सेटबैक कैसे करेंगे, डेवलपमेंट इन लेंथ, डेवलपमेंट एरिया, डेवलपमेंट वर्क. तो वो जनरल रिक्वायरमेंट जो है, डॉक्यूमेंट साइट, डॉक्यूमेंटेड साइट, इंस्पेक्शन कैसे होगा, जनरल क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी क्या करेगी, किसकी कौन सी लाइबिलिटीज आती है, ग्रांट कैसे होता, रिफंड कैसे करेंगे, राइट. इंस्पेक्शन जनरल रिक्वायरमेंट क्या होगा, प्रोसेस ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेशन, इलीगल ऑक्यूपेंसी ऑफ बिल्डिंग, इलीगल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट विदाउट परमिशन, तो उसका क्या होगा. सही है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेशन, एप्लीकेशन कैसे करना है ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेंसी का, और इश्यू ऑफ ऑक्यूपेंसी कैसे करना है, राइट. रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट को रजिस्ट्रेशन कराना है, या स्ट्रक्चर डिजाइनर को कराना है, या एज अ क्लार्क वर्क आपको डेवलपर की तरह कैसे करना है, तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, उसका ड्यूटीज क्या रहेगा, और क्या है यूज कैसा है, कौन सा जोन, कौन से जोन में पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर जोन है, कई इंडस्ट्रियल जोन है, तो कई रेसिडेंशियल जोन है, तो वो कैसे डिफाइन होता है, क्या है, वो इसके ऊपर से डिस्क्राइब होगा, इसके अंदर डिस्क्राइब दिया हुआ है. डेवलपमेंट ऑफ लैंड, लेवल बिल्डिंग यूनिट, बिल्डिंग यूनिट कितना बड़ा होना चाहिए, कैसे, क्या अप्रोच है, मिक्स डेवलपमेंट, परमिसिबल यूजेस, मार्जिन्स वगैरह कैसे करेंगे, पार्किंग, बेसमेंट का क्या मिलेगा हमें, तो ये सब कुछ इसके अंदर डिफाइंड है. फ्लोर स्पेस इंडेक्स जिसका मतलब है FSI, तो ये सब कुछ है. फिर जनरल एक्सटेंशंस है, अगेन वाटर क्लोजेट एंड पार्किंग एंड ऑल दैट थिंग्स, वो हर एक अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग आ रहा है. ठीक है, तो एग्रीकल्चर जोन है, रेसिडेंशियल जोन है, ये वगैरह वगैरह, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, फायर फाइटिंग सिस्टम और बेसिक्स जो भी देना है, क्या है, कैसे करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल
ये परमिशन कैसे है, क्या है पार्लियामेंट का अथॉरिटी, कौन सा रूल दिया है, तो ये एक्ट जो है वो इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है. इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस, बट ये 2031 तक के लिए दिया है. ओके इधर से डेफिनेशन शुरू होता है. तो एक्ट मतलब क्या है, ये कौन सा एक्ट है वो डिस्क्राइब करते हैं. एडिशंस एंड अल्टरनेटिव्स मींस एनी चेंजेस इन एग्जिस्टेंस, अथॉरिटी बिल्डिंग और चेंज फ्रॉम वन यूज टू अथॉरिटी ऑफ यूज टू अनदर यूज और अ स्ट्रक्चरल चेंजेस सच एज एडिशन टू द एरिया और अ हाइट और अ रिमूवल ऑफ अ पार्ट ऑफ एन बिल्डिंग और अ चेंज इन अ स्ट्रक्चरल सच एज construction or cutting into the removal cutting or a removal of any wall or a part of wall, partition, column, beam, joints, floors including a mezzanine floor, that means the ground a ground floor, it is an underground parking or that kind of floors, right, or other supports or changes or closing of any required means integrals and or a change in a fixtures equipment. तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या क्या है, एडिशन और अल्ट्रेशन, मतलब कि कुछ आप ऐड करते हो और अल्ट्रेशन करते हो तो कैसे करेंगे. जहां कहीं पर एडिशन या अल्ट्रेशन लिखा है इसका मतलब कि ये सब चीजें या आप कटिंग कर रहे हो या कुछ चेंजेस कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, राइट. So you have to go through this all the definitions, right? कहीं पर जो ये main main required definition है वो मैं आपको बताता जाऊंगा. Amenities जो है वो क्या होता है, तो electric supply है, street light है, parking space है, main road, अंदर वाला road है, streets है. Amusement park क्या है, तो it is a large outdoor area for फेयर ग्राउंड राइड्स, राइड्स वगैरह के लिए जो हम बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेस्कोस इज इन दैट रेस्कोस वी हैव दैट आई डोंट नो द नेम फन वर्ल्ड, राइट. द फन वर्ल्ड इज अम्यूजमेंट पार्क. नाउ व्हाट इज अपार्टमेंट, अपार्टमेंट मीन्स द मल्टी स्टोरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड इन डिच और अ सेमी डिच मैनर. Designed a ground floor with more upper floors and the constructed as an occupancy with independent privacy of kitchen, provision of kitchen or cooking. मतलब के ये क्या है, अपार्टमेंट आप किसको या फ्लैट किसको बोलेंगे, तो के एक तो मल्टी स्टोरी कंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर किचन जो है वो इंडिविजुअली सभी का दिया हुआ होता है, क्योंकि अपार्टमेंट और सर्विस अपार्टमेंट में एक डिफरेंस है. अगर सर्विस अपार्टमेंट है तो उसके अंदर किचन अलग अलग नहीं दिया होता, सभी का किचन एक जनरल होता है और वो सर्विस अपार्टमेंट बोलते हैं उसको, राइट. ओके फिर अथॉरिटीज और सब कुछ वगैरह, या अथॉरिटीज मतलब ये जो है वो रूडा के अंदर आता है, राजकोट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्योंकि हम राजकोट का स्पेसिफाइड अभी कर रहे हैं. एक्चुअल में ये ऐसा नहीं है कि ये जो है वो राजकोट के लिए ही, ये शायद आप अहमदाबाद जाओगे तो भी हो गया, कहीं पर भी जाओगे सेम ही रहेगा, लेकिन इसका जो जोन है वो डिफर होता है और जो देना है वो जोन के ऊपर ही देना है. तो जो भी कुछ देंगे वो जोन के ऊपर ही देना है. उमेश आप शांति से बैठ नहीं सकते क्या? उमेश यस सर, सॉरी सर, गलती हो गई. ऑडिटोरियम आप किसको बोलेंगे, वो डिस्क्राइब होता है, राइट. ये जो है इसको एट्रियम बोलते हैं. एट्रियम क्या है,
एट्रियम डिफाइन किया है इसने. एट्रियम, एट्रियम मींस एट्रियम मींस अनऑब्स्ट्रक्टेड मल्टी स्टोरी ओपन स्पेस विच इज बिल्ट विद इन अ बिल्डिंग दैट इज कवर्ड फ्रॉम टॉप विथ अ लाइट वेट और अ ग्लेज्ड रूफ. एट्रियम मतलब क्या है? तो एट्रियम जो है वो ओपन एरिया है. फॉर एग्जाम्पल आपका ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया है, ये जो येलो पार्ट दिख रहा है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है और ये जो है वो ओपन पार्ट है. लेकिन ये ओपन पार्ट जो है उसको आपने किसी भी ट्रस वगैरह से या कोई भी चीज से फिलअप कर दिया है तो इसको हम एट्रियम बोलेंगे. बेसमेंट जो है, बेसमेंट मींस द लोअर स्टोरी ऑफ द बिल्डिंग हैविंग एटलीस्ट हाफ ऑफ इट्स क्लियर फ्लोर हाइट ऑफ द बेसमेंट और अ सेलर बिलो द एवरेज ग्राउंड लेवल. जो ये ग्राउंड लेवल के नीचे अगर 50% जाता है तो ये बेसमेंट बोला जाएगा. बेसमेंट में हम यूजुअली पार्किंग के लिए देते हैं, राइट. कमर्शियल बिल्डिंग, डिटेच बिल्डिंग, सेमी डिटेच बिल्डिंग, एजुकेशनल बिल्डिंग. टाइप्स ऑफ बिल्डिंग क्या है? एजार्डियस बिल्डिंग. फिर क्या है? इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स, लो राइज बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, स्टेला, वेयर हाउस एंड गोडाउन. दिस थिंग्स आर ऑलरेडी गिवन इन इट, राइट. बिल्डिंग लाइन्स, so building lines is the, it means the line up to see. I think you should, you are knowing this buildings, right. Industrial building kisko bolte, residential kisko bolte, educational building, right. So you are supposed to go through this. I'm not going through this because we have a large GDCR from which the main important portions should be covered. Built to line, the line means to line up the things. This is a line, this is a center line, and this is your building line. Now it is a part of town planning, means the line up to which the plinth of a building adjoint a street or a extension of a street or on a future street may lawfully extend and includes the line in any town planning scheme. ये town planning scheme के लिए ये क्या है? This is a road. तो ये क्या है? ये आपका building line बोलेंगे, जहां पर आपका building continues exist होगा. ये road से आपको margin छोड़ना है. Road की center से हमको margin, जो road का ये extended portion है, यहां से मार्जिन छोड़ना है. अगर ये रास्ता इधर बाहर आ जाता है तो ये मार्जिन वहां से गिनना है, अगर अंदर जाता है तो मार्जिन इस तरह से गिनना है. नाउ बिल्डिंग यूनिट, सो दिस इज रूम नंबर वन एंड रूम नंबर टू. देयर आर टू यूनिट्स. बिल्डिंग यूनिट एरिया, सो दिस इज अ बिल्डिंग यूनिट एरिया. दिस इज अ यूनिट एरिया, अ सिंगल यूनिट एरिया, बिल्ट अप एरिया. अभी ये जो है वो बहुत जरूरी है. आई थिंक आप लोगों ने पढ़ लिया बिल्ट अप एरिया. व्हाट इज बिल्ट अप एरिया? मनन, बिल्ट अप एरिया हूं मुझे. मनन? हाँ सर, बिल्ट अप एरिया हूं मुझे. हेलो सर, ફરીથી પૂછો, સંભળાનો નહીં. બિલ્ટ અપ એરિયા સર, હવે બોલો. બિલ્ટ અપ એરિયા શું છે એમ કહું છું. હેલો, બિલ્ટ અપ એરિયા સર, આજુબાજુનું માર્જિન છોડીને આપણે જેટલામાં કન્સ્ટ્રક્ટ કરવાનું હોય ને એ એરિયા. અહીંયાથી વાંચીને જેટલા કન્સ્ટ્રક્ટ, જેટલામાં કન્સ્ટ્રક્ટ કરી શકાય. ઓકે, યુ હેવ 2 2 3 ટાઇપ્સ ઓફ એરિયાસ.
First of all, that is built up area. Second is the carpet area, superstructure, carpet area. Then, which type of all the areas you have studied? Built up, super built up, carpet area, right? Carpet area. So this three things you have already studied. Now, built up area किसको बोलेंगे और carpet area किसको बोलेंगे? Built up area includes your wall and everything, and carpet area only includes your area that has been used. See, now we can go through the definition. The built up area means the area covered by a building on all the floors, including cantilever portion, if any, but except the area excluding the specifically under their regulation. मतलब वो स्टेयर्स वगैरह जो है वो इसके अंदर नहीं आएगा. कार्पेट एरिया किसको बोलेंगे? कार्पेट एरिया इज द नेट एरिया विद इन द यूनिट ऑफ एन बिल्डिंग एक्सक्लूडिंग द वॉल कॉलम सर्विस एरिया सच एज वॉशरूम किचन पेंट्री सेमी ओपनिंग सच एज वरेंडा और बालकनी और पैसेज. इसको हम कार्पेट एरिया बोलेंगे. दिस इज नेट यूज्ड एरिया. ओके क्लियर हेलो सर. हाँ सर, ये बिल्ट अप एरिया में जो है सर, हाँ जैसे सर गैरेज हो गया, उनके बाद ये पोर्च हो गया, उसको इंक्लूड उसमें नहीं करना? नहीं करेंगे ना, उसको क्यों नहीं करेंगे? बिल्ट अप एरिया में, बिल्ट अप एरिया में सब कुछ आ जाएगा. बिल्ट अप एरिया के अंदर आपका दीवार भी आ जाएगा, वॉशरूम भी आ जाएगा, आपका पोर्च भी आ जाएगा, सब कुछ आएगा इसके अंदर. वो पूरा यूनिट जो आपको दिया है वो पूरा आ जाएगा बिल्ट अप एरिया के अंदर. ओके सर. फिर कॉलेज छज्जा वगैरह किसको बोलेंगे? कॉलेज चौक, राइट, कॉरिडोर्स, लॉबी. सो दिस आर द कॉरिडोर, दिस आर द रूम्स एंड दिस आर द लॉबीज, राइट. तो इसको हम लॉबी बोलेंगे. यहाँ पर जो है ये जो है वो लॉबी बोलेंगे इसको. ये ग्रे कलर का पोर्शन है, इसको लॉबी बोलते हैं. सही है. ये दिस इज अ कॉरिडोर, दिस इज योर कॉरिडोर, राइट. दिस इज योर रूम्स एंड दिस इज योर लिफ्ट एरिया. ड्रेन किसको बोलेंगे? देन ड्रेन इज अ आउटलेट ऑफ वाटर. ड्रोवेल यूनिट, ड्रोवेल यूनिट मीन्स द शेल्टर कंसिस्टिंग ऑफ एन रेसिडेंशियल अकोमोडेशन फॉर वन फैमिली प्रोवाइडेड दैट द मिनिमम अकोमोडेशन इन ड्रोवेल यूनिट शेल बी वन रूम और अ मिनिमम कार्पेट एरिया ऑफ 9 square meters with a minimum side of 2.4 meters and AWC. So this is what dwell unit is. Dwell unit is a residential area accommodation for a single person. Emergency light system, closet, staircase, enclosed staircase, elevators, escape route, escape light, existing building, existing use, exist, outside, external walls, fire safety, fire protections, authorities. These things are written over the dry resin, right? Fire resisting rates, fire service inlet, fire stairs, fire stop, fire tower, so smoke stop droplets. All these things are for the fire safety. Floors. Now, what is floor area? That means a net enclosed area of a floor in building, including the circulation space like lobby, corridor, service area, semi-opening, everything. ये किसको बोलेंगे? Floor area किसको बोलेंगे? जहाँ पर slab है वो सब कुछ floor area में आ जाएगा. जितना slab है उतना floor area है. सही है. Now coming to floor space index, FSI. FSI, what it is? It means
It is a ratio of combined gross cross section area, combined gross floor area of all the buildings, including the area of walls, except the area specified exempted under the regulation area. इसका मतलब जो भी आपका built up area है उसको divide करते हैं हम. So total floor area including the walls of all the floors, मतलब built up area divide by total floor area, total plot area, that is your FSA. I think you have studied this FSA in building bylaws, right? हाँ सर, प्रत्येक सर्वे ही कर रही हूँ तो. Now front, what is front? Front is the place where your wider road is there. Road margin जो है वो front बोलेंगे आप उसको. जहाँ पर आपका road निकलता है वहाँ पर जो है उसको हम front बोलेंगे. अगर आपका दो side से road निकलता है तो जहाँ पर बड़ा road है उसको front बोलेंगे किसी भी building का. See, this is Gamtal. Gamtal, what is this? 2.61. What is Gamtal? So Gamtal shall mean all the land may have been included by the government or collector within the city, within the site of village, town or a city on or off date declared intention to make a town planning scheme. ये गामतल किसको बोलेंगे? गामतल जो है वो यूजुअली कोर एरिया बोलते हैं, जिसको कोर एरिया, राजकोट का जो गामतल है कोर एरिया जो है वो कैनल रोड और कैनल रोड सोनी बाजार. सो दिस एरियाज आर गामतल. यहाँ से लेकर आप केकेवी तक गामतल में आता है सब कुछ. तो यहाँ पर एफएसआई तो बड़ा होगा लेकिन यहाँ पर मार्जिन भी बड़ा हो जाएगा और ये गामतल के हिसाब से ही एफएसआई चेंज होता है. एक ही सिटी है लेकिन जो एरिया है गामतल का एरिया है उसका एफएसआई अच्छा रहेगा क्योंकि वो डेंस कंस्ट्रक्टेड है पहले से ही, उसमें टाउन प्लानिंग नहीं है. लेकिन जो आउटस्कर्ट्स है, फॉर एग्जांपल 150 रिंग रोड के बाद का जो है वो सब कुछ टाउन प्लानिंग के लिए किया है, तो वो जो है वो वहां पर आपको एफएसआई अलग से होगा. ग्रे वाटर किसको बोलेंगे? ग्रे वाटर इज अ वाटर विच इज आउट फ्रॉम योर वॉश शावर सिंक. यहाँ पर से जो पानी ड्रेन होता है उसको हम ग्रे वाटर बोलते हैं. नाउ व्हाट इज द हाइट ऑफ रूम? हाइट ऑफ रूम कैसे देंगे? देन हाइट ऑफ रूम मींस द फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू अपर लेवल. लेकिन अगर ये इस तरह का कुछ है तो यहाँ पर क्या होगा? देन इट विल कम टू इट्स, ये जो है उसके सेंटर तक रहते हैं. अगर रूफ जो है वो इंक्लाइन दिया है इस तरह से तो उसका सेंटर जो है वो वहां से लेकर ग्राउंड लेवल तक का हाइट उसको डिफाइन करते हैं हम. मार्जिन क्या है? रोड मार्जिन, साइड मार्जिन, रेयर मार्जिन. रोड मार्जिन किसको बोलेंगे? जो स्पेस प्रोवाइडेड फ्रॉम द रोड साइड एज टू द बिल्डिंग यूनिट, इसको रोड साइड बिल्डिंग रोड साइड मार्जिन बोलेंगे. साइड मार्जिन मतलब कि मार्जिन प्रोवाइडेड ऑन द साइड्स ऑफ बिल्डिंग यूनिट. और रेयर मार्जिन जहां पर हम बैक साइड मार्जिन बोलते हैं, द स्पेस प्रोवाइडेड फ्रॉम द रेयर एज. रेयर मतलब पीछे वाला जो है वो रेयर मार्जिन बोलते हैं उसको. ये मेजोनेंस फ्लोर क्या है? सेल मेजोनेंस सेल मींस द इमीडिएट फ्लोर बिटवीन टू फ्लोर ओवरहैंगिंग ओवरलुकिंग ए फ्लोर बेथिन. ये मेजोनेंस फ्लोर मैं आपको एक एक जगह पर दिखाऊंगा तो ही क्लियर होगा ये क्या है. सर वहाँ पे होलो प्लिंथ लिखा हुआ था. वाह, प्लिंथ और होलो प्लिंथ में डिफरेंस है क्या? वो होलो प्लिंथ वगैरह मतलब दैट इज नॉट बीन यूज्ड मच.
वो कुछ है नहीं, आपको जाते हैं मोलो ब्रिंथ की तरफ। सी स्पेस प्रोवाइडेड बिलो द फ्लोर विच इज नॉट सेटली इमीडिएटली अबव द ग्राउंड लेवल फॉर द पर्पस ऑफ पार्किंग। पार्किंग के नीचे जो होलो, मतलब पार्किंग के लिए हमने जो प्लिंथ दिया होता, होलो मतलब अंदर से होलो नहीं रहता, लेकिन उसके नीचे हम जा सकते हैं, प्लिंथ के नीचे हम जा सकते हैं, उसको होलो प्लिंथ बोलेंगे पार्किंग के लिए। वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जब हम अंडरग्राउंड पार्किंग नहीं देते, लेकिन हमारी गाड़ी जो है वो स्लोप के ऊपर, ढलान के ऊपर सेट कर देते हैं, थोड़ा नीचे जाते हैं थोड़ा ऊपर रहता है, तो उसको होलो प्लिंथ बोलेंगे। म्यूजियम वगैरह किसको बोलेंगे? वी नो दैट राइट। पैरापेट किसको बोलते हैं? टेरेस के ऊपर जो भी हम मशीनरी करते हैं उसको पैरापेट बोलते हैं। पार्किंग है, पार्किंग स्पेस किसको बोलते हैं? सो दिस इज एंगुलर पार्किंग, एसएस पार्किंग, पैरेलल पार्किंग, परपेंडिकुलर पार्किंग, तो इस तरह का पार्किंग आता है। प्लिंथ, प्लिंथ एरिया, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिटेड एरिया, कई जगह पर ऑन वगैरह कुछ प्रोहिबिटेड रहते हैं, कहीं पर इंडस्ट्री न डालना प्रोहिबिटेड है, इंडस्ट्रियल वेस्ट डालना प्रोहिबिटेड है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, आरईडी, अभी ये रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो जो है रेस्टोरेंट यूज, ये रोड लेवल, ग्राउंड लेवल, रोड, स्ट्रीट लाइन, रूफ एग्जिस्ट, ये आप थोड़ी एक बार आप आपको देखना है, आप देख के आपको क्लियर हो जाएगा इसके अंदर। स्टेयर्स, रूम, स्टेयर, स्टोरी, स्टोरीज, थिएटर, टावर्स, यूजेज, पूरा मिला के बहुत सारी डेफिनेशन है इसके अंदर। वाटर क्लोजेट किसको बोलेंगे? क्या है? ओके, यहाँ पर से सब कुछ एप्लीकेशन वगैरह कैसे होगा? तो एप्लीकेशन करने के लिए क्या करना है आपको? द पर्सन अप्लाइंग फॉर द परमिशन टू कैरी आउट एनी डेवलपमेंट शेल हैव टू पे द स्क्रीन स्क्रूटिनी फी अलोंग विथ हिज एप्लीकेशन टू कॉन्सिक्वेंट अथॉरिटी और राजकोट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो उसको कुछ फीस पे करना रहेगा। बिल्ट अप एरिया फॉर अ लोअर राइज बिल्डिंग ₹10। सी कितना है वो भी डिफाइंड किया है। फॉर अ लोअर राइज बिल्डिंग ₹10 पर स्क्वायर मीटर ऑफ बिल्डअप एरिया ऑफ ऑल द फ्लोर्स फॉर द रेसिडेंशियल डेवलपमेंट और अ पार्ट ऑफ देयर फॉर ऑफ सब्जेक्टेड टू मिनिमम स्क्रूटिनी फी ऑफ 1,000। मिनिमम स्क्रूटिनी फी जो है वो 1,000 रहेगा, उससे ज्यादा होता है तो ₹10 पर स्क्वायर मीटर कैलकुलेट होगा। ये कमर्शियल बिल्डिंग है तो इसके लिए ₹15 होगा। सी कमर्शियल और मिक्स डेवलपमेंट के लिए ₹15 बोलेंगे। लैंड डेवलपमेंट और जो भी है तो उसके लिए सिर्फ ₹3 है, ₹2 है। फिर रिन्यूअल ऑफ डेवलपमेंट परमिशन, तो उसके लिए क्या है प्रोसीजर? देन दिस इज द सेम, आपको ₹1,000 देना है और जो भी नया वाला है उसका पैसा देना है, मतलब ₹10 पर स्क्वायर मीटर भी देना है या ₹15 जो भी होता है। फिर पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, 50% ऑफ फीस विल बी लिव, वो वेव ऑफ हो जाएगा टू मेंशन अबाउट कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के लिए फॉर द रेस्पेक्टिव यूज ऑफ बिल्डिंग
unit if the inducted development is hospital, hospital building, college, school building, तो ये सब कुछ वगैरह जो है place to worship, मतलब temple, धर्मशाला, hotels, ये सब कुछ हम construct करते हैं तो इसका जो permission fees है वो 50% कम होगा ऊपर जो लिखा है उससे. फिर ये ब्रिक कंस्ट्रक्शन के लिए माइनिंग है, चिमनी है, तो उसका भी चार्जेस है, राइट. सिक्योरिटी डिपॉजिट कैसे रहेगा, सो दिस ऑल थिंग्स आर गिवन देयर. फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन तो हम प्री डीसीआर से करते हैं, राइट. अभी हम डायरेक्टली वहां पर जाते हैं. दिस ये जनरल नोटेशन है जिसको हम यूज करते हैं. कैसे करेंगे, प्लॉट लाइन है वो थिक ब्लैक में करना है आपको. प्लान जब सबमिट करना है तो कैसे कैसे करेंगे, तो एग्जिस्टिंग स्ट्रीट है उसको ग्रीन करना है, फ्यूचर स्ट्रीट अगर है तो उसको ग्रीन और डॉटेड लाइन से करना है, राइट. परमिसिबल लाइन है तो उसको थिक ब्लैक डॉटेड लाइन से करना है. ओपन स्पेस है तो नो कलर करना है, कुछ करना ही नहीं, ऐसे ही रखना है ओपन स्पेस को. ब्लू जो है वो क्या है, तो एग्जिस्टिंग वर्क के लिए ब्लू है. फिर पर्पस ऑफ वर्क जो है वो रेड में डिस्क्राइब करना होता है. वर्क प्रपोज टू बी डिमोलिश तो वो येलो एच के लिए होगा कि यह डिमोलिश हो जाएगा. वर्क विदाउट परमिशन इफ स्टार्टेड ऑन द साइट तो वो ग्रे से डिस्क्राइब करेंगे. ड्रेनेज जो है वो रेड डॉट से करेंगे और वाटर सप्लाई है जो वो ब्लैक डॉट से करेंगे. तो ये स्पेसिफिकेशन है, ये आपको जब गवर्नमेंट को प्लान सबमिट करते हैं तो इसके अंदर ये चीजों का ध्यान रखना है. इसी तरह से होगा तो ही वो नोटेशन को समझ पाएंगे. अभी मार्जिन और सेटबैक कैसे होगा, मिनिमम क्लियरेंस फ्रॉम इलेक्ट्रिक लाइन. अगर 222 वॉट किलोवाट का इलेक्ट्रिक लाइन कहीं से जाता है तो 17 मीटर छोड़ना पड़ेगा उसके सेंटर से ग्रिड के लाइन को. ये वगैरह जो है ये यूजुअली फॉलो होता है नहीं होता वो देखना पड़ता है. शायद ये 22 केवी या 66 केवी ही जाता है तो वो आपको 99 मीटर्स तक का रखना पड़ता है डिस्टेंस. सी इट इज लाइक दिस, अगर यहाँ से लाइन जाता है तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ मार्जिन दैट यू हैव टू प्रोवाइड. मतलब मिनिमम क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक पोल्स. यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोल यहाँ पर लगा है तो आप बिल्डिंग इतना दूर बनाना पड़ेगा. यहाँ पर डिपेंड करता है कितना जाता है लाइन कितना है. ये पेट्रोलियम पाइपलाइन वगैरह का है वो तो हमें यूजुअली नहीं लगता. ये फीस वगैरह है, यहाँ पर जो भी मेन पॉइंट आएगा वहां पर मैं स्टॉप करके आपको दिखाता हूँ.
यहाँ ड्यूटीज वगैरह एजुकेशन जो है वो यहाँ से ये आप सभी को हमेशा जानना होता है, तो ये मैं दिखाता हूँ क्या है। सही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑनर्स टू, ये जो है आपको क्या अपॉइंट टू अपॉइंट आर्किटेक्ट टू अपॉइंट स्ट्रक्चरल इंजीनियर क्या है, कैसे होगा। सही है, तो ये जो है सी बिल्डिंग कैटेगरी कौन क्या चीजें कर सकता है। देन अगर आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया है और आपके पास 7 इयर्स मिनिमम एक्सपीरियंस है, देन यू कैन डिजाइन अ बिल्डिंग ऑफ 1.5 मीटर्स। आप 16.5 मीटर तक का बिल्डिंग डिजाइन कर सकते हो। 16.5 मीटर उसका मतलब कितना स्टोरी बिल्डिंग होगा, आप डिप्लोमा करके कितना स्टोरी बिल्डिंग बना पाओगे। हेलो, यस हाँ, डिप्लोमा करके आप कितना स्टोरीज बिल्डिंग बना पाओगे। सो दिस विल बी 5 स्टोरी बिल्डिंग। 5 स्टोरी बिल्डिंग का आप डिप्लोमा प्लस 7 इयर्स एक्सपीरियंस है तो आप कर सकते हो। सही है, इसी तरह से हाँ, इसी तरह से 16 to 40 है तो बी के बाद ही होगा, और ज्यादा हाइट है तो हाई राइज जो है वो अबाव 40 मीटर्स जाना है तो बी इज ओनली रिक्वायर्ड। बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है, मास्टर्स नहीं करोगे तो भी आपको सब कुछ कर सकते हो एक्सपीरियंस के हिसाब से। नाउ दिस आर द नेम्स ऑफ मेंबर्स, कौन है क्या है किस तरह से होगा इसके अंदर। यूज ऑफ जोन, सी ड्रोवेल वन किसको बोलेंगे, देन ड्रोवेल वन इज डिटेच ड्रोवेल यूनिट, ड्रोवेल टू इज डिटेच ड्रोवेल यूनिट, रो हाउसेस, टेनामेंट्स, कॉटेज, इंडस्ट्री एंड प्री स्कूल्स। अपार्टमेंट जो है वो ड्रोवेल थ्री में आएगा, ड्रोवेल थ्री अपार्टमेंट, हाई राइज, लो राइज, हॉस्पिटल, धर्मशाला, कॉटेज, इंडस्ट्री, प्री स्कूल। सही है, then now you know what is drawel 1, drawel 2 and drawel 3. Now mercantile 1, mercantile 2 and mercantile 3. So mercantile 1 includes shops, restaurants, shopping centers, shopping malls are in 2-1 and warehouse, wholesale. अगर बड़ा कुछ warehouse है तो वो जो होगा वो कहाँ पर होगा, देन इट विल अंडर द थर्ड कैटेगरी। बिजनेस एजुकेशन, प्राइमरी स्कूल, प्री स्कूलिंग, सेकेंडरी स्कूलिंग, इसको बोलेंगे बिजनेस ऑफिसेज, इंक्लूडिंग कॉरपोरेट ऑफिस, कॉल सेंटर्स, ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह जो है। कॉलेज एजुकेशनल बिल्डिंग टाइप 2, पॉलिटेक्निक, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस जो है वो एजुकेशनल पर्पस 2 में आएगा, राइट। असेंबली 1 कम्युनिटी हॉल और बैंक्वेट हॉल है, असेंबली 2 कौन सा है, देन कन्वेंशनल सेंटर, एग्जिस्टेबल ऑडिटोरियम, प्लेनेटोरियम, स्टेडियम, एग्जीबिशन हॉल, म्यूजियम। तो दिस ऑल थिंग्स इंक्लूड्स इन असेंबली 2। नाउ असेंबली 3 किसको बोलेंगे, देन थिएटर, मल्टीप्लेक्स, ड्राइव इन सिनेमा, क्लब्स, गोल्फ कोर्स, दिस आर असेंबली 4। सॉरी सॉरी, आई विल जस्ट गो टू इट। सो दिस थिंग्स इंक्लूड इन Assembly 3 and Assembly 4 is party plot, garden, restaurants, institutional research center or hospital वगैरह जो है उसको institutional बोलेंगे। Religious में church, temples वगैरह कुछ include होगा, right? Hospital 1 bed or hospitality 1, hospitality मतलब का hotels वगैरह कुछ भी है, guest houses है, then it is in hospitality area। हॉस्पिटैलिटी एरिया लेस देन कौन कितना होना चाहिए, 2000 स्क्वायर मीटर है तो वो 1 में आएगा। हॉस्पिटैलिटी 2 एरिया किस में आएगा, मोर देन 2000 स्क्वायर मीटर्स है तो वो उसके अंदर आएगा। स्पोर्ट्स, पार्क, सर्विस, इंडस्ट्रियल 1, लाइट इंडस्ट्री, पेपर प्रिंटिंग वगैरह, लाइट इंडस्ट्रीज जो है वो 1 इंडस्ट्रियल में आएगा। इंडस्ट्रियल 2 में बड़ा बड़ा इंडस्ट्री थोड़ा है, जंक यार्ड है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आइसक्रीम फैक्ट्रीज वगैरह इंडस्ट्री 2 में आएगा। इंडस्ट्री 3 है वो कौन सा है, देन सेल्डर हाउस मतलब जहाँ पर लेदर होगा, मीट
શેલ્ટર હાઉસ ક્લટર હાઉસ મતન્સ મંત કતલખાનું ને એ બધું ઇન્ડસ્ટ્રીયલ 3 માં આવે છે. ફોર્થ ફ્યુલ સ્ટોરેજ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ 4 માં જો હેઝાર્ડિયસ ગેસીસ ઓર ફ્યુલ વગેરે જ્યાં પર સ્ટોરેજ હોતા હૈ પાવર પ્લાન્ટ હૈ વો બહોત બહોત હી બડા જો ઇન્ડસ્ટ્રી હૈ વો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ 4 માં આતા હૈ. સ્ટોરેજ વગેરે જો હૈ વો વેરહાઉસ ગોડાઉન કોલ્ડ સ્ટોરેજ ટિમ્બર માર્ટ યે સબ કુછ સ્ટોરેજ માં આતા હૈ. ટ્રાન્સપોર્ટેશન કે લિયે ટ્રંક ટર્મિનલ બસ ટર્મિનલ ટ્રક ટર્મિનલ બસ ટર્મિનલ. એગ્રીકલ્ચર મેં હોર્ટિકલ્ચર આતા હૈ ડેરી ઇન્ડસ્ટ્રી સબ કુછ એગ્રીકલ્ચર 1 માં આતા હૈ. એગ્રીકલ્ચર 2 માં માઇનિંગ હૈ ક્વેરી હૈ ધેન ઇટ વિલ બી ઇન એગ્રીકલ્ચર 2 ડમ્પિંગ સોઇલ વેસ્ટ વો એગ્રીકલ્ચર 2 માં આતા હૈ. ये पब्लिक बिल्डिंग वगैरह जो है बस स्टेशन है टर्मिनल्स है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ वाटर सप्लाईज बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट रहता है सब कुछ वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन में सॉरी पब्लिक यूटिलिटीज में आता है. पब्लिक इंस्टीट्यूशन में क्या आता है पोस्ट ऑफिस है पोस्टल्स है पची टेलीग्राफ वगैरह कम्युनिकेशन नेटवर्क्स जेल पुलिस स्टेशन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट मेडिकल फैसिलिटीज सिविल सेंटर्स ये सब कुछ इसके अंदर आएगा. इसको डिस्क्राइब किया है क्योंकि इसके डिस्क्राइब करने के ऊपर ही हमें पता चलेगा कि क्या है. सी देयर आर टू टाइप ऑफ एरिया आल्सो डिस्क्राइब इन योर जीडीसीआर एरिया 1 एरिया ए एंड एरिया बी. सो जीएम दैट मींस अ गामतल एंड गामतल एक्सटेंशन एंड रेजिडेंशियल जोन इज आर कमर्शियल जोन इज सी इंडस्ट्रियल जोन इज आई आर आई जी इंडस्ट्रियल जोन IZ, right? Recreation zone, RZ. तो ये अलग अलग zones है और उस zone का क्या क्या short form दिया है. अभी देखो ये this is a good one, zone table दिया है. City area A के अंदर आपके पास plot है तो permissible FSI कितना है 2.25 का. FSI chargeable आप ले सकते हो नहीं इसके अंदर FSI chargeable नहीं ले सकते. और इसके अंदर आपको क्या मिलेगा देन मैक्सिमम आपको 2.25 का ही मिलेगा. और इसके अंदर कौन सा बिल्डिंग आप यूज कर सकते हो ड्रोवेल 1, 2, 3 एक्सेप्ट हाई राइज बिल्डिंग. हाई राइज इधर नहीं जाएगा सही है. ड्रोवेल 1, 2, 3 का सब कुछ आप इसमें बना सकते हो. मर्चेंटाइल 1 बना सकते हो बिजनेस रिलीजियन एजुकेशनल 1 हॉस्पिटलिटी 1 assembly 1 sports park public unit and a public international so with respective zone institutional with respective zone. तो इतनी चीजें जो है वो आप सिटी एरिया ए के अंदर बना सकते हो. एरिया ए और बी जो है वो कौन सा है वो आपको डिफाइन होगा रूडा से. रूडा मीन्स द राजकोट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी. वो बताएगा कि एरिया 1 कौन है एरिया ए कौन है और एरिया बी कौन है. नाउ अगर आपके पास एरिया बी में है कुछ एरिया मतलब आपके पास प्लॉट है तो उसके अंदर क्या होगा आपको 2 का FSI फ्री में मिलेगा. FSI 2 इज इन अ फ्री चार्जेबल FSI जो है वो 0.5 का मिलेगा. टोटल मैक्सिमम FSI आप 0.25 का यूज कर सकते हैं. ओ वहां पर उसके अंदर क्या क्या कंस्ट्रक्ट हो सकता है तो उसके अंदर ड्रोवेल 1, 2, 3 हाई राइज भी उसके अंदर आ सकता है नो प्रॉब्लम सही है. तो उसके अंदर थोड़ा असेंबली 1, 2, 3, 4 सब कुछ यूज कर सकते हो थोड़ा बढ़ गया. अभी ये गामतल है गामतल मतलब एकदम इंटरनल एरिया जो है तो वो जो है वो 1.5 का आप मैक्सिमम एरिया ले सकते हो. गामतल के अंदर आपको 1.5 का ही FSI मिलेगा. आप उसमें कुछ परचेसेबल नहीं ले सकते हाई राइज वहां पर बना नहीं सकते. गामतल एक्सटेंशन जो है उसके अंदर 1.8 का आपको मैक्सिमम मिलेगा. परचेसेबल आप कुछ नहीं ले सकते इसके अंदर राइट. सिटी एरिया सी है विथ रेस्पेक्टिव जोन एज परमिटेड मेंशन बिलो. तो ये जो है वो ए के हिसाब से ही आपको रेगुलेट करना है. और जो TOZ है TOZ मतलब ऊपर लिखा होगा आप कहीं पर भी जो पता है transit oriented zone. This zone is which provides an opportunity for mixed use of high density developed area
इन सेकंड रिंग रोड, यहाँ पर सेकंड रिंग रोड जो है वहां पर, तो सेकंड रिंग रोड के ऊपर आपके पास प्लॉट है तो आपको बहुत बढ़िया एफएसए मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है वो 1.8 का एफएसए देता है, 1.95 का आप परचेस कर सकते हो, टोटल 3.75 तक का आप जा सकते हो। वहां पर रेसिडेंशियल, कमर्शियल, रिक्रिएशन सेंटर सब कुछ बना सकते हो। सही है, तो अलग अलग जोन के हिसाब से अलग अलग एरिया आपको दिया है, कौन सा आप कितना यूज कर सकते हो। तो ये डायरेक्टली इसके अंदर है, इसके हिसाब से ही कहीं पर भी आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। ये एग्रीकल्चर जोन वगैरह में कोई एफएसए का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रहता, क्योंकि वो एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं हम, राइट? ओके, अभी ये आया, ये दिस इज वेरी गुड वन। अगेन फॉर अ सिटी एरिया ए, आरएमसी, गामतल और अ विलेज, रोड असेस एंड द लेंथ इन मीटर और विथ ऑफ रोड इन मीटर। अगर आपका जो बिल्डिंग है उसका जो अप्रोच है वो उधर उधर जो डेंसिटी है उसके ऊपर से ये डिफाइन किया है कि कितने मीटर का रोड आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप टाउनशिप वगैरह कुछ बनाते हो और कुछ जो भी है नॉन एग्रीकल्चर कन्वर्ट करते हो तो कैसे होगा? इंटरनल रोड अगर प्रोवाइड करना है तो उसके लिए है ये, सही है। अगर आप एक बड़ा फार्म लेते हो और उसको नॉन एग्रीकल्चर करते हो तो इंटरनल रोड किस तरह से प्रोवाइड करेंगे वो दिया है। लेंथ ऑफ रोड जो है वो अप टू 15 मीटर्स है, तो विथ जो है रोड का वो 3 मीटर देना ही देना है। विथ ऑफ रोड नॉन रेसिडेंशियल है अगर, और वहां पर कमर्शियल है, देन 4.5 मीटर तक देना है। अगर अबाव है 15 मीटर से बड़ा या फिर 45 मीटर तक का है तो आपको 4.5 या 6 मीटर तक देना है। रेसिडेंशियल है तो 4.5 मीटर्स दोगे, वरना बड़ा देना है। नाउ ये रेडियस होता है, रेडियस 4 पॉइंट, कहीं पर टर्निंग पॉइंट है तो टर्निंग के ऊपर कर्वेचर देना पड़ेगा, उसका रेडियस 4.5 मीटर्स का रहता है और 6 मीटर्स दोनों रहता है, डिपेंडिंग ऑन विथ ऑफ योर रोड। कॉमन प्लॉट आपको कितना छोड़ना है? अगर रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग है, एरिया ऑफ बिल्डिंग यूनिट इज मोर देन 2000 स्क्वायर मीटर और मोर, देन 10% एरिया ऑफ बिल्डिंग यूनिट शुड बी लिव एज अ कॉमन प्लॉट। आपको 10% जो है वो कॉमन प्लॉट की तरह छोड़ देना पड़ेगा। ये कॉमन प्लॉट का रिक्वायरमेंट वगैरह है। अभी ये रोड के हिसाब से आपको देगा कि मैक्सिमम बिल्डिंग हाइट कितना दे सकते हो। अगर लेस देन 12 मीटर्स रोड कहीं पर जाता है तो मैक्सिमम आप 5 स्टोरीज बिल्डिंग ही बना सकते हो। 12 मीटर से बड़ा रोड अगर जा रहा है तो यू कैन कंस्ट्रक्ट 25 मीटर्स ऑफ हाइट, यू कैन गिव 25 मीटर हाइट टू योर बिल्डिंग। 15 मीटर से ऊपर जा 15 मीटर या उससे ऊपर जाता है देन यू कैन गिव 40 मीटर्स, अप टू 40 मीटर्स आप हाइट दे सकते हो, राइट? अभी रोड विथ के ऊपर डिपेंड करता है कमर्शियल, कमर्शियल कितना देना है। सी दिस इज अबाउट कमर्शियल, अगर 9 से 12 मीटर है तो आप ग्राउंड फ्लोर, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर ही कमर्शियल दे सकते हो। अगर 12 से 18 मीटर है तो आप ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर तक आप कमर्शियल बिल्डिंग बना सकते हो, राइट? और 18 से अबव है देन ऑल द फ्लोर्स कुड बी अ कमर्शियल बिल्डिंग। अगर 18 मीटर से बड़ा रोड है तो आप सब कुछ कमर्शियल बिल्डिंग में दे सकते हो। इसके ऊपर दिया है मार्जिन कितना छोड़ना है। सी इधर मार्जिन भी डिफाइंड है, हाउ मच मार्जिन यू शुड लीव।
अगर बिल्डिंग ड्रॉवेल 1-2 के यूज में है, मिनिमम जो एरिया है वो 25 स्क्वायर मीटर से है, देन एक साइड जो है वहां पर 1.5 मीटर का मार्जिन छोड़ना है, एंड द मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज है, आप 65% ग्राउंड कवरेज कर सकते हो, मिनिमम फुटेज ऑफ प्लॉट इन मीटर इज 3 मीटर. सो आप कितना कवर कर सकते हो, यहाँ पर वो लिखा है. Right here, what are the deduction that you are getting from FSI? Floor space index maximum at any place in city area A is 2.5 meters. Floor space index for minimum city area B will be 2 plus 0.5 chargeable. Relaxation in FSI. FSI के अंदर कुछ रिलैक्सेशन भी मिलेगा, लेकिन वो डिस्क्राइब किया है कौन सी चीज में से रिलैक्सेशन है. देन बिल्डिंग इन द अथॉरिटीज ऑफ FSI सच एज लैंड और अ प्लॉट और अ बिल्डिंग यूनिट बेसिकली ओरिएंटेड इन अ बिल्डिंग एरिया बाय बाउंड्रीज और ये वगैरह कुछ है. एक्चुअल में वो FSI में से आपको डिडक्शन मिलता है, उसको डिस्क्राइब किया है. क्लियर नहीं है इधर, अब कहीं पर हम क्लियर होता है तो आगे देखते हैं. ये रेसिडेंशियल जोन है, इसमें कहाँ पर क्या मार्जिन छोड़ना है. तो ये रेसिडेंशियल एक्सक्लूडिंग द अपार्टमेंट, आपको फ्रंट मार्जिन जो है वो 1.5 मीटर का देना है, और अदर साइड रोड है. अगर और कोई जगह पर दोनों दो रोड लगता है तो आपको मार्जिन जो है वो 1.5 मीटर तक का देना है. नाउ अगर आपके पास अपार्टमेंट, एक मिनट, अगर आपके पास अपार्टमेंट फ्लैट है अप टू 250 स्क्वायर मीटर्स एरिया है प्लॉट का, तो पहला जो आगे वाला मार्जिन है वो 3 मीटर देना है, और पीछे वाला और साइड वाला जो मार्जिन है वो 1.5 मीटर देना है. मोर देन 250 है अगर एरिया तो भी इस मार्जिन सेम रहेगा. हाई राइज के लिए एज पर द रेगुलेशन नंबर 15 आपको टेली करना पड़ेगा. अगर कमर्शियल जोन है तो कमर्शियल जोन के अंदर क्या क्या है, देन फ्रंट मार्जिन विल बी ऑफ 4.5 मीटर्स एंड मोर देन 500 स्क्वायर मीटर अगर है तो वो 6 मीटर का फ्रंट मार्जिन और साइड मार्जिन जो है वो 3 मीटर्स का देना है. ओके, सो वी विल कीप इट अप टिल नाउ, यहां तक हम रखेंगे, आगे वाला जो भी है वो हम फिर से करेंगे कंटिन्यू. तो ये नाउ अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क मी फॉर दिस. सर ये पीपीटी अपलोड कीजिएगा ना पोर्टल में. ये पीपीटी नहीं है, ये पूरा जीडीसीआर है, मैं जीडीसीआर पूरे का पूरा अपलोड कर दूंगा. ओके सर. आप इसके अंदर से गो थ्रू कर सकते हैं, आपको बहुत सारा पता चल जाएगा कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं या कैसे नहीं कर सकते. ओके सर. और सर एक बात पूछना है सर, अगर कंप्यूटर लेना चाहे कंप्यूटर ले या लैपटॉप ले, अगर ऑटोकैड के लिए या बिल्डिंग प्लानिंग के लिए ये सब के लिए.